अब बात करेंगे हम इस फिल्म के साथ में। सिद्धार्थ, मैं आपसे ना एक बहुत ही मजेदार सवाल करने वाली हूँ। यू हैव टू टेल मी अबाउट द ब्रो कोड। ओके, आई हैव हर्ड कि लड़कों में ना देयर इज अ ब्रो कोड, चाहे वो लड़की को लेकर के हो या बाकी चीजों को लेकर के हो। गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। ब्रो कोड हम दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो एक ब्रो कोड बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है, लेकिन वो कभी कभी ना वो फिसल जाती है। उसमें ऐसा होता है ना कि मतलब ये मेरी वाली है तो तेरी भाभी है आजकल के जमाने में रिलेशनशिप्स are not as what it used to be like 20 years ago. Absolutely. क्योंकि ज़माना बदल गया है, लोग शादी करने से डर रहे हैं आजकल, लोग शादी करने के बाद डर रहे हैं आजकल। तो वो तो हमेशा से। तो ये सारे लव जिहाद है, बाकी और टॉपिक्स हैं जो हम अभी उनका उसका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा मैसेज है जो निशिता ने मैंशन किया, बहुत ही फन लविंग वे में, बहुत ही दोस्ती यारी वे में, हम चारों के बीच में जो कहानी है और अनीता मैम और दलिता हिंस भी फिल्म में है, तो इट्स अ फन प्लॉट। बहुत ही अच्छा क्रू है हम लोगों का, बहुत ही ज़्यादा ब्रदर्स हम लोग ने बना दिए फिल्म में, लाइक ओएस सर, उनको बहुत बोली किया हमने, तो एक ब्रो कोड जैसी चीज़ है जो कभी फिसल सकती है। Also, I would like to mention, bro code से आपने बोला, if there is romance in the film, it's only between these two. Oh, so it's a bromance. So this is the offset I'm telling you. We didn't see a scene जहाँ पे ऐसा आप टीशर्ट भी उतार के देते हैं। ये तेरी टीशर्ट। फेंकते हैं। हम लोग रियल लाइफ की तरह ब्रेकअप पैच वगैरह होते हैं। लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं, टीशर्ट निकाल के फेंक दिया है, क्या हुआ है? हमारा ब्रेकअप कभी नहीं हुआ है। ब्रेकअप इनका तो नहीं होगा, किसी और के साथ दोनों करवा दें, लेकिन इन दोनों का नहीं होगा। That I can vouch for. Siddharth, I also have to congratulate you for the choice of movie that you made. We are going to see you in a completely different kind of a role in Avatar. Yeah, so. मैंने कभी ऐसी फिल्म की भी नहीं और कभी सोचा भी नहीं था मैं करूँगा, but बहुत मजा आया, बहुत ही ज़्यादा मजा आया। हाँ, it's a change for sure. सुबह सब लोगों ने यहाँ पर बोल दिया है कि बहुत मज़ा आया। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कितना मज़ा आया, ऑल्सो बिकॉज मुझे अंदर की बात पता चली है दैट द शूट क्योंकि मॉरिशस में था, सो इट वॉज काइंड ऑफ लाइक अ वेकेशन फॉर एवरीबडी, इज दैट ट्रू? थैंक यू विजय सर फॉर गिविंग अस अ वेरी गुड वेकेशन। मुझे अब क्यों बुलाया, मुझे तभी बुला लेते ना, मैं तब से एक होस्ट कर लेती एंकर फॉर द मूवी। बताइए। Especially for me because I had a lot of ops and I could just go around and explore the place. It was amazing. Thank you for choosing my location. I loved it. और हमारी हीरोइन दोनों एक यानी अच्छी आप भी चिल थोड़ी थी, हम दोनों आप दोनों तो रोज यार हम रोज चार बजे उठ के but no but we had I used to tell them all the fun I had during the day and they used to be all jealous. Oh my god. But did you guys like also then party at night and like chill yeah, and get together? Yeah, chaar baje uthe kaun party karega? Sightseeing so. Then if we have an off, we cannot go and party because of early morning call time. But it went like an absolute breeze. हमें पता नहीं चला हम काम कर रहे हैं। जब हम लोग ने फिल्म सीन्स देखे थोड़े बहुत कुछ रशेस देखे बहुत ज्यादा काम हुआ है वो एक महीने में और बड़े बड़े डायलॉग और लंबे लंबे और मोनोलॉग टाइप और हम तो मतलब छुट्टी का हम So thank you so much. This was a fun conversation and chat. And with this, I would also like to call on stage Mr. Harish Patel, who's the distributor for the film and has been a part of 30 to 40 films before this as distributor. Thank you so much, sir, for being a part of this event and for supporting the film. Please, aaiye yahan par. Thank you so much. Hello. I'd like to just ask Shakti sir to come on, please. Oh yes, please. Sir, so I believe without your Shakti, sir, blessings, please. We not work. Please. Thank you for coming, Paul. It's
सर लेकिन आपसे जानना जरूर चाहूंगी मैं, आपने ट्रेलर देखा है अब तो व्हाट इज द फीलिंग आपके पास, इतने सालों से आप देखते आ रहे हैं फिल्में, बदल रही हैं, कैसी बदली हैं, आज कैसा लगा आपको ये ट्रेलर देख के? मुझे काम में बोलता सिर्फ फिल्म की तारीफ करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। मुझे लगा मैं कोर्ट में खड़ा हूँ, मैं जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। पहली बार ये जिंदगी में बेटे की फिल्म रिलीज है और बाप आया है और बाप नर्वस हो रहा है। नहीं मैं एक्चुअली तो दोनों ही मेरे बेटे हैं, मैं तो छोटे छोटे किस्से सुना रहा था प्रतीक को भी। जब ये पैदा भी नहीं हुआ था मैं अस्पताल गया था इनकी मम्मी को मिलने और फिर ये पैदा हुआ प्लीट कैंडी में। फिर एक सितारा धरती पे जन्मा जिसका नाम है प्रतीक। और सेम हॉस्पिटल में मेरा बेटा पैदा हुआ, यानी कि मेरे दोनों बेटे मंच पे खड़े। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और थैंक यू, बस इतना ही, हाँ और कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज और बोलूंगा, मैंने गलती से फिल्म देखी है, पूरी फिल्म देखी है, चुपके से जाके ऑफिस में देखी है। और आज मेरी बेटी मुझे बोलेगी कि मेरे फंक्शन में तो आप कभी आए नहीं, बेटे के फंक्शन में चले गए। मैंने कहा भैया बेटे की ये फिल्म है जो इंडस्ट्री के अंदर हंगामा करेगी, क्योंकि बहुत बढ़िया फिल्म है, दोनों ने बहुत, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड आई वॉज रियली मूव्ड इमोशनली इन दिस फिल्म। दोस्ती क्या होती है, वो जज्बा क्या होता है, डायरेक्टर साहब का काम बहुत अच्छा है। आई लव यू डायरेक्टर, अगली फिल्म में तो कुछ दे देना उनको भी। और प्रोड्यूसर साहब का दिल बहुत बड़ा है, तो बहुत अच्छा खर्चा किया है। और डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, इन्होंने बोला कि मैं हिंदुस्तान में जितने थिएटर हैं, अगर बाहुबली को मिले थे 6,000 और अगर साहू को मिले थे 10,000, मैं 15,000 थिएटर लेके आऊंगा।